अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा आज का लेक्चर जो है वो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स और पेडल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स देखते हैं कि क्या होते हैं। टेंजेंशियल नॉर्मल लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन, सबसे पहला हमारा टॉपिक है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन में हमारे पास पहले एक इक्वेशन दी जाती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल में। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका है कि हम लेंगे dy वाई बाई डी एक्स, और फिर हमें एक पॉइंट भी दिया जाएगा, पॉइंट p x1 y1, ठीक है। तो इस पॉइंट इसको हम p पे मालूम करेंगे, यानी डेरिवेटिव के अंदर हमने पॉइंट पुट कर देना है x1 y1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगी जिसका नाम हमने m रख दिया। तो टेंजेंट लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हम ऐसे भी कह सकते हैं, या y माइनस y1 इज इक्वल टू dy वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट p x1 y1 और साथ में x माइनस x1, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन हो गई। इसी तरह नॉर्मल लाइन क्या होगी? नॉर्मल लाइन में हमारे पास इसी तरह आपने स्लोप निकालनी है। नॉर्मल लाइन में डिफरेंस ये आता है कि हमारे पास आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, ठीक है। और बाकी सारा सेम है, x माइनस x1, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल लाइन है। तो ये दो मेथड्स हैं टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन निकालने के, ठीक है। अब आपने एक बात और यहाँ पे देखनी है कि जब आपके पास इफ़ टेंजेंट लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या अगर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर हमें क्या करना है? तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का क्या मतलब होता है? आप यहाँ पे देखें, इस तरह से होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारी जो स्लोप होगी या डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव हम जीरो के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसी तरह अगर हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन ओवर ज़ीरो या इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो हम इन दो तरीक़ों से पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं दोनों पार्ट्स का, और फिर हम इसे देखते हैं। एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर आपके बुक के पेज नंबर 245 पे है। एक्सरसाइज 6.2 पेज 245, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें उन्होंने कहा है फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स फ्रॉम इंडिकेटेड फ्रॉम 1 और 4, ठीक है। इसमें मैं थर्ड पार्ट आपको करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है x इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ए वाई स्क्र इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन दे दी है, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास x दे दिया उन्होंने a ओवर 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। अब आपको यहाँ से एक तो y पॉइंट निकालना है, ठीक है। हमें y नहीं गिवन, बाकी सारे क्वेश्चन में y गिवन है, इस एक पॉइंट में नहीं गिवन था। दूसरा आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डेरिवेटिव निकालना है dy by dx, ठीक है। सबसे पहले y पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a ओवर 2, इसी को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो x है a ओवर 2 इंटू ए ओवर 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ए ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर
इज़ इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ से आपका ये ए से ए कैंसिल हो जाता है, टू हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ए स्क्वायर ओवर फोर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, ए स्क्वायर ओवर फोर इज़ इक्वल टू टू वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया ए स्क्वायर ओवर फोर के बराबर, और वाई इक्वल आ गया प्लस माइनस ए ओवर टू के, ठीक है। ये आपका वाई आ गया, इसका मतलब आपके दो पॉइंट्स बने। एक पॉइंट बना हमें एक्स गिवन है दोनों के लिए ए ओवर टू, ए बटा टू और ए बटा टू, एक ये पॉइंट और इसी तरह ए बटा टू एंड माइनस ए बटा टू, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ के लिहाज से हमने टेंजेंट लाइन निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से अब डेरिवेटिव ले लें सबसे पहले, या इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा थ्री एक्स की पावर टू प्लस इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव वन वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू वाई माइनस टू ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आता है, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है माइनस है, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगी, ये वाली प्लस की हो जाएगी, ये वाली माइनस की हो जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू टू ए स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलता है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर टू ए स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। अब इसके अंदर आप पॉइंट पुट कर दें, हमारा पॉइंट था पी ए ओवर टू, ठीक है, यानी एक्स की कीमत ए ओवर टू और वाई की कीमत भी ए ओवर टू, तो ये बनी थ्री इंटू ए ओवर टू का स्क्वायर प्लस ए ओवर टू का स्क्वायर ओवर टू इंटू ए स्क्वायर ए ओवर टू माइनस टू इंटू ए ओवर टू ए ओवर टू, ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा एट पॉइंट पी ए ओवर टू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स में थ्री प्लस वन फोर बनता है, फोर इंटू ए स्क्वायर ओवर फोर ऊपर आ गया, और नीचे वाली टर्म में हमारे पास ये टू से टू कैंसिल हो गया, ए का क्यूब बन रहा है, ए क्यूब माइनस टू, एक टू कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचता है ए स्क्वायर ओवर टू। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी ए बाई टू, ठीक है। इसको हम थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे फोर से फोर कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बच गया ए का स्क्वायर, नीचे वाली दोनों टर्म्स में से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लें अगर, तो बाकी बचता है ए माइनस वन ओवर टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी ए बाई टू, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टू ए माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी ए बाई टू, ठीक है। तो हमारे पास डेरिवेटिव या स्लोप आ गई है एट पॉइंट ए बाई टू एंड ए बाई टू किसके बराबर आ गई, टू ओवर टू ए माइनस वन, ठीक है। अब ये वाली स्लोप आ गई है, अब यहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1, ठीक है। y माइनस x1 y1 वही पॉइंट है जो हमने निकाला था, जो पुट किया था a बाई टू इज इक्वल टू डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 2 ओवर 2a माइनस 1 x माइनस a ओवर 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें दोनों साइड्स पे, 2 एलसीएम आ गया, 2y माइनस a इज़ इक्वल टू 2 ओवर 2a माइनस 1 इंटू 2 एलसीएम
टू एक्स माइनस ए, ये टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया टू वाई माइनस ए, ये जो बटे में टर्म आई हुई है टू ए माइनस वन हम इस साइड पे ले आते हैं, इज इक्वल टू ये वाला बटे वाला टू दूसरी साइड पे चला जाएगा और अंदर आ गया टू एक्स माइनस ए, ठीक है। इसे आप ओपन कर लें तो ये बना फोर ए वाई माइनस टू वाई माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस टू ए, ठीक है। इसको हम इक्वलिटी के एक तरफ कर लें सब टर्म्स को, तो फोर ए वाई माइनस टू वाई माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस फोर एक्स प्लस टू ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन आ गई टू ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है, ठीक है, जो कि गिवन पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका माइनस ए बाय टू पे भी निकालेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला था वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। स्लोप में डिफरेंस आता है यहाँ पे, तो ये आ गया वाई माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन ओवर डेरिवेटिव या स्लोप क्या निकली थी हमारी टू ओवर टू ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये बन गया वाई माइनस ए ओवर टू इज इक्वल टू माइनस टू ए माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस ए ओवर टू। एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये आपके पास आ जाता है टू वाई माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टू ए माइनस वन ओवर टू इंटू टू टू एक्स माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो टर्म नेगेटिव टर्म पड़ी हुई है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन गई टू ओवर टू ए माइनस वन टू वाई माइनस ए ओवर टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस ए ओवर टू, ठीक है। टू से यहाँ से पे टू से टू कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आ गया, इसको जस्ट हमें डिनोमिनेटर दूसरी साइड पर लेके जाना चाहिए। चले हम फिर दोबारा ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ गया टू वाई माइनस ए, ये टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी टू ए माइनस वन ओवर टू, इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए माइनस टू एक्स बन गया। ये बटे वाला टू भी दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये बनेगा फोर वाई माइनस टू ए इज इक्वल टू, इन दोनों को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टू ए का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स माइनस ए प्लस टू एक्स, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन आ जाती है, ठीक है। इसको हम